ये दिल मांगे मोर के स्लोगन के साथ पेप्सी और ठंडा मतलब कोका कोला ने सॉफ्ट ड्रिंक की पूरी मार्केट पर आज के टाइम पर मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। पर क्या आपको पता है, एक टाइम ऐसा भी था जब एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला के सामने ये कंपनियां कुछ भी नहीं थी। भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ कैंपा कोला भारत में मार्केट लीडर थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला की एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद होती चली गई और आज का ये टाइम है कि कैंपा कोला को रिलायंस ने सिर्फ 22 करोड़ में खरीद लिया है और अब फिर से कैंपा कोला को रिलायंस मार्केट में वापस ले आया है, वो भी अनबीटेबल प्राइस पर। जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, क्या वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में भी कुछ ऐसा ही तहलका होने वाला है। पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी एग्जिस्टिंग कंपनियां थी वो पहले से ही कर्जे में थी और उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। पर कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों के पास ना तो पैसे की कमी और ना ही रिसोर्सेज की, तो कैसे रिलायंस कैंपा कोला के साथ इन दोनों कंपनी से मुकाबला करेगा? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब और शुरू करते हैं कैसे एक टाइम पर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज करने वाली कंपनी कैंपा कोला कैसे अर्श से फर्श पर आ गई। बात शुरू करते हैं कोका कोला से। वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में हुई थी पर इंडिया में ये ब्रांड आया 1956 में। इंडिया में लॉन्च होते ही कोका कोला बहुत सक्सेस हुई और बहुत पैसे कमाए। लॉन्च के बाद ही इतनी सक्सेस मिलने के पीछे की बड़ी वजह थी कि उस टाइम इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। पर 1974 वो साल आया जब कोका कोला के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा लागू कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हर विदेशी कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस चला रही थी उनको अपनी कंपनियों को इंडियन कंपनियों के तौर सेटअप करना था, जिनके 60% शेयर को इंडियन कंपनी या इंडियन लोगों के पास होने चाहिए थे और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। क्योंकि कोका कोला इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुकी थी और बहुत पैसे कमा रही थी तो उसने 60% शेयर वाली बात मान ली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला शेयर करने से साफ इंकार कर दिया। और यही वजह थी कि 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला को देश से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला तो इंडिया से चली गई पर अपने पीछे एक ऐसी कंपनी छोड़ गई जो बंद होने के कगार पर थी और उसका नाम था प्योर ड्रिंक। प्योर ड्रिंक ने शुरुआत से अंत तक कोका कोला की बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स का भी काफी काम संभाला हुआ था और यही वजह थी कि कोका कोला के जाने के बाद ये कंपनी के पास काम की कमी हो गई और इस कंपनी में काम कर रहे 2800 एम्प्लॉइज की जॉब पर खतरा आ गया। जिसके बाद प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह ने देखा कि कोका कोला के जाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं बचा था और लोग भी सॉफ्ट ड्रिंक के आदी हो चुके थे। फिर 1977 में ही जब कोका कोला इंडिया से गई उसी साल प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह ने अपनी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक की, जो देखते ही देखते सब जगह छा गई क्योंकि लोग इसे कोका कोला के अल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर देख रहे थे। और कैंपा कोला ने भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऐसे कैंपेन लॉन्च किए जिससे यूथ में कैंपा की डिमांड बढ़ गई। जैसे कैंपा ने उस टाइम सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और इन्हीं सब चीजों की वजह से कैंपा कोला को मार्केट लीडर बनने में देर नहीं लगी। उसके बाद कैंपा ने दो सॉफ्ट ड्रिंक और लॉन्च की, कैंपा ऑरेंज और दूसरी कैंपा लाइम एंड लेमन। ये दोनों फ्लेवर भी लोगों को बहुत पसंद आए और भारी डिमांड को देखते हुए कैंपा ने दिल्ली में अपनी 4 फैक्ट्रियां और खोल दी। फिर पूरे भारत में इसकी 50 फैक्ट्रियों से भी ज्यादा फैक्ट्री हो गई थी। कैंपा कोला लगभग 15 सालों तक टॉप पर रही और जिस वजह से कैंपा कोला की शुरुआत हुई थी उसी वजह से इसका अंत भी शुरू हुआ, मतलब कोका कोला की वजह से। क्योंकि 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडिया में बिजनेस करने के लिए विदेशी कंपनियों को अलाउ कर दिया गया, जिसके बाद भारत में कई विदेशी कंपनियां आई और इसी के साथ भारत में दोबारा से आई कोका कोला और यहीं से शुरू हुई कैंपा कोला की खात्मे की शुरुआत। फिर पेप्सी और कोका कोला, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने टीवी पर कई एडवर्टाइजमेंट चलाए बॉलीवुड के एक्टर्स को लेके और फिर कुछ टाइम में ही दोबारा से लोगों ने कोका कोला और पेप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैंपा जैसे बड़े ब्रांड को 2001 में दिल्ली में अपने प्लांट बंद करने पड़े और साल 2009 आते आते कैंपा सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गई। लेकिन अब फिर से इसकी वापसी की पूरी तैयारी हो चुकी है, वो भी फुल प्रूफ प्लान के साथ, क्योंकि इसको रिलायंस ने 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये रिलायंस ने एक डूबी हुई कंपनी को क्यों खरीदा? तो इसका जवाब है कि इंडिया का FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है और रिलायंस FMCG सेक्टर में भी कुछ करने का मन बना चुका है क्योंकि थोड़े टाइम पहले जियो मार्ट लॉन्च हुआ था, जिसके बाद रिलायंस ने इंडिपेंडेंस नाम से FMCG प्रोडक्ट लॉन्च किए और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला भी खरीद लिया, जिससे रिलायंस FMCG मार्केट पर भी अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है जैसे टेलीकॉम सेक्टर पर बनाया। जियो का नाम आया है तो अब सवाल ये भी आता है कि क्या रिलायंस के लिए फिर से जियो वाली सक्सेस रिपीट करना पॉसिबल होगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनियां जियो के लॉन्च के टाइम पर थी वो पहले से ही घाटे में चल रही थी और जियो फ्री सर्विस देके उसके बाद सर्विसेज का
प्राइस कम करके टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर पहुंच गई। पर यहां पर केस दूसरा है, कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनियों के पास ना तो पैसे की कोई कमी है ना ही किसी रिसोर्सेज की। तो देखना दिलचस्प होगा इन सब की बिजनेस लड़ाई को, पर इन सब में फायदा कुछ टाइम के लिए तो कंज्यूमर का होने ही वाला है। और ये फायदा होना भी शुरू हो गया है क्योंकि कैंपा कोला जियो मार्ट पर बिकना भी स्टार्ट हो गई है, वो भी कोका कोला और पेप्सी के आधे रेट पर। जैसे कोका कोला और पेप्सी की 2 लीटर की बोतल लगभग 95 रुपए की आती है, लेकिन कैंपा कोला 49 रुपीज की बिक रही है। वैसे रिलायंस के पास प्राइस वार को छोड़ के और भी कई एडवांटेज है, जिस वजह से कैंपा कोला को एक बार फिर से घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि रिलायंस के पास एक स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 16,700 के करीब स्टोर्स हैं 7,000 से भी ज्यादा सिटीज में। और इन ऑफलाइन स्टोर्स के साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी के तरीके से भी कैंपा कोला को रिलायंस काफी तेजी से लोगों तक पहुंचा सकती है। अब वो वक्त ही बताएगा कि रिलायंस कोका कोला और पेप्सी को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं। पर आप लोगों को क्या लगता है, कैंपा कोला को रिलायंस फिर से भारत की नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक बना पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।